देवनगर थाना क्षेत्र में एक एक्सपोर्टर के बैंक खाते से धोखाधड़ी के जरिए दो बार कुल 16 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगी का शिकार हुआ मोहित का भाई गत 7 जून को मलेशिया गया था। पीछे से शाति ने उसी नंबर की दूसरी सिम उठाकर ठगी को अंजाम दिया। उसके भाई ने सिम को मलेशिया में इंटरनेशनल रोमिंग नहीं करवाई थी, जिससे उनका पता नहीं लगा। होटल में पहुंचकर उन्होंने वाईफाई से व्हाट्सएप और मेल चेक किया। इससे उनको पता लगा कि उनके खाते में रुपए निकाले गए। वहीं 14 जून को उनके इंडसइंड बैंक से एक के बाद एक दो ट्रांजेक्शन किए गए। मोहित ने बताया कि इस ट्रांजेक्शन के मैसेज उनको मिले थे। इधर शाति ने उसकी सिम को आधे घंटे में एक्टिवेट कराकर 2 घंटे में बैंक खातों में से दो बार में 16 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। मोहित मानत ने एक रिपोर्ट कल दिनांक 15/6/19 को थाने में उपस्थित होकर दी, जिन्होंने बताया कि मेरे भाई रोहित मनोज हमारा एक भागीदारी में तृप्ति एक्सपोर्ट का काम है, जिसमें भी हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं जमा अकाउंट है उसका सारे ओटीपी नंबर मेरे भाई रोहित मनोज के उस पर आते हैं, जिसमें कि रोहित मनोज अभी मलेशिया किसी काम के उसमें गए थे। उस दरमियान उनकी सिम रोमिंग की वजह से बंद हो चुकी थी। इसी दरमियान उनकी सिम को किसी ने और ने अपने नाम से करवा के और उस पर वो ओटीपी उपलब्ध करा के इनके थाने से 2 ट्रांजेक्शन किए हैं 16 लाख के, एक बैंक ऑफ बड़ौदा से कोलकाता से है और एक SBI बैंक लखनऊ से है। और जिसमें बताया जा रहा है उनका ये कहना है कि बैंक ने 2 घंटे के एयरटेल कंपनी ने 2 घंटे के अंतराल में ही सिम इश्यू करके OTP की सुविधा उपलब्ध करा दी, जिसकी वजह से ये ठगी की गई है। उक्त रिपोर्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है।